फ्रेंड्स, मैं रंद्रा लगोन्नर हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं नागमणि बुंगी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम तेलुगु सीखना तो है लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन सा वीडियो पहले देखे कौन सा वीडियो बाद में देखे, क्योंकि चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आपकी इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लेकर आया जाए। तो सॉल्यूशन है 45 डेज तेलुगु स्पोकन क्लास। जी हाँ फ्रेंड्स, 45 डेज तेलुगु स्पोकन, जिसमें आपको 45 क्लास मिलने वाले हैं। इन 45 क्लासेस को पूरी तरीके से देखेंगे, समझेंगे तो जरूर तेलुगु बोलना स्टार्ट कर देंगे, ये गारंटी मेरी है। इस बार आपको क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैडम आप पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो या कोई नोट्स प्रोवाइड करवाओ या कोई ऐसी किताब सजेस्ट करो कि जिससे हमें तेलुगु पढ़ने में आसानी हो, सीखने में आसानी हो। तो इसलिए मैंने बहुत सारे बुक्स मंगाए, मैंने पढ़े, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें पढ़कर कोई भी तेलुगु सीख सकता है। तो इसलिए मैंने खुद के पीडीएफ बनाए हैं, लेकिन आपको उन पीडीएफ के लिए 45 रूपीज पेड करने पड़ेंगे। पीडीएफ पाने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स करके टाइप करके भेजे व्हाट्सएप पर। उसके बाद आपको किस प्रकार पीडीएफ मिलेगा उसकी जानकारी मिलेगी। और हर क्लास के पहले, जो अभी स्टार्टिंग से ज्वाइन हो रहे हैं क्लास, हर क्लास के पहले आपको उस क्लास का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और 45 डेज तक जो जुड़ते रहेंगे उसी प्रकार आपको जो लास्ट क्लासेस हो गए रहेंगे उनके नोट्स मिल जाएंगे। तो जैसे ये पहला क्लास है तो इसका पीडीएफ आपको ज्वाइन होते साथ मिल जाएगा। वैसे ही सेकंड, थर्ड, अगर आप फिफ्थ क्लास में ज्वाइन होते हैं तो आपको पांचों के एक साथ मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स पे आपको हर क्लास डिटेल में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोग व्हाइट बोर्ड में नहीं लिख पाते हैं। जैसे अभी मैं नेनू, तो इसको तेलुगु में किस प्रकार लिखेंगे और इंग्लिश में किस प्रकार लिखेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, पूरा आपको पीडीएफ में मिलने वाला है। अगर ये वही मैं अभी हिंदी, तेलुगु में और इंग्लिश में लिखते रहूं तो बोर्ड पूरा भर जाएगा और क्लास खत्म ही नहीं होगा। तो आप चाहें तो ही पीडीएफ बाय कीजिए, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है, क्लास में भी सीख सकते हैं। लेकिन जो डिटेल में सीखना चाहते हैं हर बात बारीकी से, जिनको नोट चाहिए, वो जरूर पीडीएफ एक बार देखें कि किस प्रकार है पीडीएफ। आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये मेरा मानना है, पर आपकी मर्जी, आपको चाहिए तो कर दे, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है ये 12 वर्ड्स, आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बिना ना तो हिंदी, ना तेलुगु, ना इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज को हम लोग नहीं बोल सकते। ये 12 है, इसके बाद सेकंड क्लास में और बहुत सारे वर्ड सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज मैं। मैं को तेलुगु में कहते हैं नेनू, मैं को कहते हैं नेनू। मैं खा रहा हूं या मैं खा रही हूं, तेलुगु में कहेंगे नेनु तिंटुन्नानु, नेनु तिंटुन्नानु। फर्स्ट वन इज मैं को तेलुगु में कहते हैं नेनु, नेनु तिंटुन्नानु, मैं खा रहा हूं या खा रही हूं। द सेकेंड वन इज मेरा या मेरी को तेलुगु में कहेंगे ना योक्का या नादी। ना योक्का का यूज बहुत कम होता है, जो डीपली ग्रामर बुक्स होते हैं या बहुत ज्यादा तेलुगु में बातचीत होता है उसपे होता, नहीं तो ना योक्का का यूज नहीं होता। लेकिन क्योंकि नायोक्का भी है इसका मीनिंग, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आपको पता चले कि नायोक्का भी बोलते हैं, पर उसका यूजेस बहुत कम होता है। क्लासेस पूरी पूरा देखें, क्योंकि मैं चैलेंज करती हूँ कि पूरे यूट्यूब में इससे बेटर आपको तेलुगु स्पोकन थ्रू हिंदी नहीं मिलेगा। तो 45 दिन के क्लासेस पूरी तरीके से वॉच करें। नायोक्का, ठीक है। नादी भी कहते हैं, तो इनका प्रयोग किस प्रकार करेंगे अब चले सीखते हैं। यह पुस्तक मेरी है या यह किताब मेरी है। इदि ना पुस्तकम, इदि यह ना यानी मेरा पुस्तकम किताब है, यह मेरी किताब है। इदि ना पुस्तकम, या फिर इसको किस प्रकार बोलेंगे, इदि ना योक्का पुस्तकम, इदि ना योक्का पुस्तकम। पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि ना योक्का का यूज बहुत कम होता है, तो आप कहेंगे इदि ना पुस्तकम, इदि ना पुस्तकम। नादी का प्रयोग किस प्रकार कहेंगे, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। ई पुस्तकम नादी, ई पुस्तकम नादी, यह मेरी पुस्तक है, ई पुस्तकम नादी। तो मेरा या मेरी के लिए नायोक्का नादी, तीनों का यूज होगा, ज्यादा ना का नादी का होगा, नायोक्का का कम होगा। तो यहां तक आपका डाउट क्लियर हुआ। थर्ड वन इज मुझे या मुझको, मुझे या मुझको को तेलुगु में कहेंगे नाकू या नन्नो, नाकू या नन्नो। अब इनका वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे देख, मुझे जाने दो या मुझको जाने दो, नाकू वेल्ल निव्वो, नाकू वेल्ल निव्वो या नन्नो वेल्ल निव्वो। वेल्ल निव्वो का मतलब होता है जाने दो, वेल्ल निव्वो का मतलब होता है जाने दो।
अगर आप चाहें तो नोट कर ले, जो मैं बोल रही हूँ नोट कर ले, मैं धीरे धीरे बोलूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। नाकु वेल्लनिव्वु, वेल्लनिव्वु या नन्नु वेल्लनिव्वु, मुझे जाने दो या मुझको जाने दो। नाकु वेल्लनिव्वु या मुझे जाने दो, नन्नु वेल्लनिव्वु, मुझे या मुझको को, नाकु नन्नु। द फोर्थ वन इज तुम, तुमको तेलुगु में कहेंगे नुव्वु, तुमको तेलुगु में कहेंगे नुव्वु। तुम कहाँ जा रहे हो, नुव्वु एक्कड़िकि वेलुतुन्नावु। तुम कहाँ जा रहे हो, नुव्वु एक्कड़िकि वेलुतुन्नावु। तुम नुव्वु एक्कड़िकि, एक्कड़ यानी कहाँ, पर तेलुगु में वर्ड्स कहाँ को कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ को जा रहे हो। एक्कड़िकि को की, एक्कड़िकि वेलुतुन्नावु जा रहे हो, वेलुतुन्नावु जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो, नुव्वु एक्कड़िकि वेलुतुन्नावु। द फिफ्थ वन इज तुम्हारा, तुम्हारा को तेलुगु में कहेंगे नी, नी योक्का या नीदी, नी नी योक्का या नीदी। नी योक्का का यूज जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत कम होता है, तो चलिए नी और नीदी को कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है, नी इल्लु एक्कड़ुंदी या फिर नी योक्का इल्लु एक्कड़ुंदी। नी तुम्हारा, इल्लु घर, कहाँ है, एक्कड़ुंदी, कहाँ है, एक्कड़ुंदी। तुम्हारा घर कहाँ है, नी इल्लु एक्कड़ुंदी या फिर नी योक्का इल्लु एक्कड़ुंदी। यह घर तुम्हारा है, इल्लु नीदी, यह घर तुम्हारा है, इल्लु नीदी, ये घर नीदी यानी तुम्हारा है, इल्लु नीदी, यह घर तुम्हारा है। द सिक्स वन इज तुम्हें, तुझे या तुमको को तेलुगु में नीकू या निन्नु कहेंगे। निन्नु का प्रयोग कम होता है, नीकू का ज्यादा होता है, तो चलिए इनके साथ कुछ सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए को तेलुगु में कहेंगे नीकू एम कावाली। तुझे क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, किसी के लिए भी आप कहेंगे नीकू एम कावाली। नीकू तुम्हें, तुझे या तुमको, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। एम क्या, क्या को एमटी कहते हैं, पर बोलचाल की भाषा में एम कहते हैं। नीकू एम कावाली, कावाली का मतलब होता चाहिए, कावाली का मतलब चाहिए। तुमको क्या चाहिए, नीकू एम कावाली। तुम्हें क्या चाहिए, नीकू एम कावाली। तुझे क्या चाहिए, नीकू एम कावाली। तुम्हें किसने बुलाया, निन्नु एवर पिलचारु, निन्नु एवर पिलचारु। निन्नु तुम्हें किसने बुलाया, एवरु पिलचारु, किसने बुलाया, एवरु पिलचारु। द सेवेंथ वन इज आप, आपको तेलुगु में कहेंगे मीरु, आपको कहेंगे मीरु। जब मैं वर्ड्स कोई भी तेलुगु में बोलती हूँ तो प्लीज मेरे पीछे एक बार बोलने का ट्राई कीजिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा क्लियर होगा आपका। तो चलिए, आपको कहेंगे मीरु, आपको कहेंगे मीरु। आप कहाँ रहते हैं, मीरु एक्कड़ुंटारु। आप कहाँ रहते हैं, मीरु एक्कड़ुंटारु। आप मीरु कहाँ, एक्कड़ा रहते हैं, उंटारु रहते हैं, उंटारु। आप कहाँ रहते हैं, मीरु एक्कड़ुंटारु। द एट वन इज आपका, आपका को तेलुगु में कहेंगे मी, मी योक्का मीदी, मी मी योक्का मीदी। मी योक्का का यूज कम होता है, ज्यादा मी और मीदी का होता है। तो इनसे वर्ड्स देखते हैं। आपका घर कहाँ है, मी इल्लु एक्कड़ुंदी या फिर मी योक्का इल्लु एक्कड़ुंदी। आपका घर कहाँ है, मी इल्लु एक्कड़ुंदी या फिर मी योक्का इल्लु एक्कड़ुंदी। यह घर आपका है, इल्लु मीदी, यह घर आपका है, इल्लु मीदी। तो कुछ कुछ वर्ड्स में मी का यूज होगा, कुछ कुछ में मीदी का होगा। तो ये जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट क्लास में तो आप नहीं समझ पाएंगे, पर क्योंकि इनका यूज होता है तो इसलिए मैंने आपके लिए चार्ट प्रिपेयर किया है। द नाइन्थ वन इज आपको, आपको को तेलुगु में कहेंगे मीकू या मिम्मलनी, मीकू या मिम्मलनी। आपको किसने बुलाया, मीकू एवरु पिलचारु या फिर मिम्मलनी एवरु पिलचारु। आपको किसने बुलाया, मीकू एवरु पिलचारु या मिम्मलनी एवरु पिलचारु। द टेंथ वन इज हम या हम लोग को तेलुगु में कहेंगे मेमु या मनमु, मेमु या मनमु। हम कहाँ जा रहे हैं, मेमु एक्कड़िकि वेल्तुन्नामु। जैसे मैंने कहा तेलुगु में कहाँ को जा रहे हो, जब भी कोई जाता है तो कहाँ को जा रहे हो, मेमु एक्कड़िकि की यानी को, मेमु एक्कड़िकि वेल्तुन्नामु, हम कहाँ जा रहे हैं। मेमु हम, कहाँ को, एक्कड़िकि वेल्तुन्नामु जा रहे हैं, वेल्तुन्नामु जा रहे हैं। मेमु एक्कड़िकि वेल्तुन्नामु हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मनमु एक्कड़िकि वेल्तुन्नामु, मनमु एक्कड़िकि वेल्तुन्नामु, मनमु हम लोग एक्कड़िकि कहाँ वेल्तुन्नामु जा रहे हैं, वेल्तुन्नामु जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मनमु एक्कड़िकि वेल्तुन्नामु।
हमारा या हम लोगों का। हमारा को तेलुगु में कहेंगे मा मा यొక్క మాది, हमारा को कहेंगे मा मा यొక్క మాది। मा यొక్క का यूज कम होता है याद रखिएगा। हम लोगों का मना मन यొక్క మంది, मना मन यొక్క మంది, मन यొక్క का यूज कम होता है, मना मंदी याद रखिए, क्योंकि ये वर्ड्स होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो चलिए हमारा से किस प्रकार सेंटेंस बनता है चलिए देखते हैं। या हमारी कार है, हमारा और हमारे तेलुगु में एक ही तरीके का वर्ड यूज होता है। या हमारी कार है, इदि मा कार, इदि मा कार या इदि मा यొక్క कार, मा यొక్క यूज कम होता है तो इदि मा कार याद रखिएगा, इदि मा कार। तेलुगु में हम लोग जब बात करते लास्ट वर्ड के लास्ट में कारु पेन्नु बुक्कु इस प्रकार बोलते हैं। आदत है पर बहुत हद तक बहुत सारे लोग बदलाव आ चुका है, पर नॉर्मल बीच बीच में आ जाता है। तो इदि मा कार, इदि मा कार, यह कार हमारी है, यह कार हमारी है। ई कार मादी, ई कार यह कार मादी, यह के लिए इदि या ई दोनों का यूज होता है, जब आगे यह वहां में जाएंगे तब सीखेंगे। ई कार मादी, हम लोगों का माना मन यొక్క మంది, ठीक है। इसके सेंटेंस देखते हैं। क्या हम लोगों की कार है, इदि मन यొక్క कार या फिर इदि माना कार। तो मन यొక్క का यूज कम होता तो आप माना याद रखे, इदि माना कार, इदि माना कार। यह कार हम लोगों की है, यह कार हम लोगों की है। ई कार मंदी, ई कार मंदी। द ट्वेल्थ वन इज हमें, हमको, हम लोगों को। तेलुगु में कहेंगे माकू मनकु मम्मल्नी मन्नल्नी, माकू मनकु मम्मल्नी मन्नल्नी। ये चार वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट है पर याद कर नोट करके दो तीन बार बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। हमें भूख लगी है या हमको भूख लगी है। माकू आकलिगा उंदी, माकू आकलिगा उंदी, हमें भूख सा है। बोलेंगे हिंदी में हमें भूख लगी है, पर तेलुगु में थोड़ा वर्ड बदल जाता तो कहेंगे हमें भूख सा है, हमको भूख सा है। माकू आकली भूख सा गा, भूख सा आकलिगा है उंदी, माकू आकलिगा उंदी, हमें भूख सा है। हम लोगों को कुछ लोग बुला रहे हैं, तो आप माकू मनकु मम्मल्नी मन्नल्नी किसी का भी यूज कर सकते हैं। माकू एवरो पिलुस्तुन्नारु या मनकु एवरो पिलुस्तुन्नारु, मम्मल्नी एवरो पिलुस्तुन्नारु, मन्नल्नी एवरो पिलुस्तुन्नारु। यूज ज्यादा माकू का ही होता है, मनकु मम्मल्नी मन्नल्नी कम यूज होता है। आप माकू याद रख लीजिए, आपके स्पोकन के लिए माकू काफी है। फ्रेंड्स ये है आज के 12 वर्ड्स, एक बार ध्यान से देख लीजिए, चलिए रिवाइज हो जाए। मैं नेनु मेरा, ना ना यొక్క నాది, मुझे मुझको, नाकु नन्नु, तुम नुव्वु, तुम्हारा नी नी यొక్క నీది, तुम्हें तुझे तुमको, नीकु निन्नु, आप मीरु आपका, मी मी यొక్క మీది। ये जो यొక్క वाले वर्ड्स है ये कम यूज होते हैं, पर क्योंकि होते हैं इसलिए मैंने लिखे हैं। आपको मीकु मिम्मल्नी, हम लोग मेमु मनमु, हमारा हम लोगों का, मा मा यొక్క మాది, हम लोगों का, मना मन यొక్క మంది, हमें हमको हम लोगों को, माकु मनकु मम्मल्नी मन्नल्नी। तो फ्रेंड्स ये 12 वर्ड्स है, अच्छी तरीके से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो फ्रेंड्स अगर आप सचमुच में तेलुगु सीखना चाहते हैं तो जरूर ये 45 डेज के क्लास को जरूर अटेंड करें, पूरा देखें वीडियो को, हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो ये पहला क्लास है, और जैसे मैंने पहले कहा आपको पीडीएफ चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स जरूर कमेंट करें। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करें, नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।